ये यहाँ पे हमें डॉक्टर साहब का प्यार लेके आया है। ठीक है, तो भाई साहब आपका क्या नाम है? राघव। राघव की भी दिक्कत है, राघव की दिक्कत आज इसकी दिक्कत थी शोल्डर की, राइट? यस। है ना, इससे पहले 2 बार मेरे पास आया था जब इसने ग्रोइन इंजरी बताई थी, और ये मानने को तब भी तैयार नहीं है। थोड़ा बहुत कंट्रोल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है ना, मान रहा है? तो इसने भी मुझे यही बताया था, इसके राइट शोल्डर में ना, यस राइट राइट। शोल्डर में फ्रंट में दर्द है। तो जो लोग भी फ्रंट में जब दर्द होता है, चाहे वो रैकेट गेम खेलते हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो समझिए कि जब भी सामने की तरफ पेन आता है, इसका मतलब इंपिंचमेंट होता है। रोटेटर कफ कफ मसल्स शोल्डर के अंदर टाइट होने लग जाती हैं या रब करने लग जाती हैं, उसके बाद में फिर शोल्डर धीरे धीरे वीक होने लग जाता है। जैसे मैं इसकी तरफ देखता हूँ, ये इस तरफ की मसल ज्यादा लंबी है, ये मसल्स बिल्कुल ये खा गया, देखा छोड़ो एकदम शॉर्ट हो गए हैं, ये बिल्कुल रैना जी स्टाइल में इंजरी होने लग गई है। अगर लेंथ देखें, ये इतनी है, ये देखें कितनी छोटी हो गई है, तो करीब 2 से 3 इंच इस साइड की विड्थ कम हो गई है। अगर ये अपने चेस्ट दिखाता, मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये चेस्ट पीस की इस तरफ छोटी होगी, इस तरफ ये बड़ी होगी, ठीक है? और ये लोग एक और वजह से इंजरी होती है, जब लोग बहुत ज्यादा फ्लाई करते हैं अराउंड द वर्ल्ड, एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं हैवी डंबल से, तो जैसे ये खींचेगा, ट्राइसेप्स भी यहाँ पे इंसर्टेड होता है, जैसे पेक्टोरिस भी यहाँ पे इंसर्टेड होता है, जैसे ये खींचेगा सीधे सीधे शोल्डर खींचेगा, शोल्डर टाइट होगा, स्टिफ होगा, हीलिंग का साइन होता है। जब भी चोट लगती है तो मसल हार्ड होने लग जाती है, स्टिफ होने लग जाती है, ताकि उस पर जोर ना पड़े, ठीक होने लग जाए। और जब हम प्रॉपरली आप मेरे पास नहीं आते या किसी भी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते, तो लेंथ मसल की छोटी होने लग जाती है और इंजरी प्रोन ये हो जाते हैं। सेम चीज अगर ये देखें तो कि ग्रोइन के साथ भी इन्होंने ओवर यूज इंजरीज के साथ की थी, ओवर यूज स्ट्रेन इंजरीज की। जब भी हम बात करते हैं टेंडन्स या लिगामेंट्स की बात करते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज की बात नहीं करते, हर स्पोर्ट्समैन अपनी लाइफ में कई बार ओवर स्ट्रेन इंजरीज के साथ गुजरता है। ओवर स्ट्रेन इंजरीज बहुत कंफर्टेबली ट्रीट की जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन क्या गेम खेलता है, क्या एज होती है, और ओवर स्ट्रेन इंजरीज ही प्लेयर्स को गेम से आउट करती हैं जब वो उसको ट्रीट नहीं करते। समझ गए, है ना? यस। मैं पढ़ के नहीं आया था, तब भी इतना कुछ भूल गया। आ जाओ एडजस्टमेंट करते हैं। देखिए शेप है, अच्छी बात है, वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस। टर्न कर लेंगे भीतर, नीचे वाला गया सीधा। जिस तरह से हम शोल्डर की बात करते हैं, इन मसल्स को देखते हैं, वैसे ही अगर हम लोअर बैक या पूरी जनरल बॉडी को अगर आप सब चेक करना चाहते हैं, तो हमेशा देखिए कि इस तरह का जो ग्लूट्स की मसल होती है, उसी को हम हेल्दी मसल बोलते हैं, कि पूरा कर्वेचर नजर आता है। यही सबसे ज्यादा मसल आपको एक्सरसाइज में हेल्प करती है। डोंट टेक इट अदरवाइज, वी हैव नो इंटरेस्ट इन दिस, बट एथलेटिक जो बॉडी होती है उसमें ग्लूट्स की शेप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यही टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में भी आपको सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। लोग हम कहते हैं ज्यादा लेग करने से चीजें होती हैं, सो दिस इज अ बॉयज टॉक बट इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। इजी, ब्रीथ आउट, रिलैक्स, उस तरह थाइस का साइज मैटर नहीं करता है ना। तो आप जितने भी कालों को देखें, लेग्स के साइज को ना देखें, उनका ग्लूट्स हमेशा, है ना, पोलार्ड को देख लें या रसल को देख लें, जेनेटिकली वेरी एथलेटिक, इजी। और यहाँ पे कुछ नॉनसेंस भी फील हो रहा है, नहीं? एक और, ओके, नाइसली स्ट्रेट, सीधा सीधा सीधा, रिलैक्स, इजी इजी, वेरी गुड। हाँ, वीडियो फिनिश करने दो, भागे रहो। दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें देखते रहें। हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाते रहेंगे, बहुत नॉर्मल सा कंटेंट होता है, इंजरीज दिखाते हैं, पेशेंट की कंप्लेंट्स दिखाते हैं, और यही सारी चीजें हर किसी हर पेशेंट पे बार बार हर बार दिखाते रहेंगे इस पूरी लाइफ में। थैंक यू।